तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद होगा कि पार्ट 9 में जैसे टोनी को पता चलता है कि किंग कॉन्ग मारा जा चुका है, वो बिग कॉन्ग को किंग गिदोरा को मारने भेजता है और खुद मेका गॉडजिला को तैयार करके उसकी मदद करने जाता है। और यहाँ पर फ्रैंकलिन थॉर और वांडा मिलकर डिफेंडर को हरा लेते हैं और वो दोनों ड्रैगन हासिल कर लेते हैं। तो क्या हमारा गॉडजिला ताकतवर बन पाएगा और क्या हम किंग गिदोरा को हरा पाएंगे? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ये तो जंगल वाला रास्ता है। हाँ शिनचैन, ये जंगल वाला रास्ता है और हमें यही से होकर जाना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो तीसरा ड्रैगन यही कहीं पे होना चाहिए। अच्छा ऐसा क्या? यहाँ का तो मौसम भी बिगड़ते जा रहा है। जब से गिदोरा धरती पे आया है सब जगह का मौसम बिगड़ गया है। अरे ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रात को तूफान आया था। हाँ शिनचैन, यहाँ की तो हालत खराब लग रही है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं आगे का रास्ता कैसा होगा। शिनचैन डरो मत, जब हल्क है साथ तो टेंशन की क्या बात। अरे हाँ ये बात भी है, पता नहीं फ्रैंकलिन भैया को अभी तक ड्रैगन मिले होंगे कि नहीं। शिनचैन उन्हें वो ड्रैगन मिल चुके हैं। अरे आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ पता होता है। अच्छा ऐसा क्या, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो तभी होगी जब हमें तीसरा ड्रैगन मिलेगा। ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी गाड़ी भगाओ, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा। अच्छा ठीक है शिनचैन, अभी भगाता हूँ। गाड़ी धीरे चलाओ, हल्को डर लग रहा है। अरे ये क्या आ गया सामने? अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे 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 हमारी गाड़ी तो अभी किसी काम की नहीं रही। शिनचैन हमारी गाड़ी तो डूब चुकी है। अरे नहीं अभी भी थोड़ी थोड़ी तैर रही है। हाँ पर वो हमारे किसी काम की नहीं। अरे हल कहाँ पर गया? वो भी तो हमारे साथ ही गिरा था ना, यही कहीं पे होना चाहिए वो। अरे मैंने तो पहले कहा था कि गाड़ी स्लो चलाओ। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें तो कहा था स्पीड चलाओ। अरे मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं जो बोलूंगा सब मान लोगे क्या? तुम बहुत ही शरारती हो। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, ये तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही। अरे वो रहा हल्क। शिनचैन मैं यहाँ पर हूँ। अरे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने गाड़ी से पहले जंप लगा ली थी इसलिए मैं यहीं पे गिर गया। अरे तो जल्दी से इस साइड आ जाओ ना। अच्छा ठीक है रुको अभी आता हूँ, जल्दी से जंप लगा के जाता हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं। चलो हल्क भी आ गया, मुझे तो लगा था तुम घूम गए हो। इतनी बड़ी चीज कैसे घूम सकती है? अरे हाँ वो बात भी है, अब हम आगे कैसे जाएंगे? अरे हमें तो पता भी नहीं कि हम कहाँ पर है। शिनचैन हमें आगे चल के जाना पड़ेगा, पर आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कहाँ पर जाना है? शिनचैन हमें जंगल के उस पर जाना है जहाँ पर स्केलेटन का निवास है। अरे क्या बात कर रहे हो, स्केलेटन? हाँ शिनचैन, वो ड्रैगन उनके बीचों बीच रखा हुआ है। अरे मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। तो फिर हमें जल्दी से जाना चाहिए, वहाँ पर संभाल के रहना। अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो फटाफट। हाँ जल्दी से चलो। फटाफट भाग के जाते हैं। अले इतनी ताली हड्डियां कहाँ से आ गई? ये आई नहीं है, ये इनका ही इलाका है। हाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तीसरे ड्रैगन को यही पे छुपाएंगे। अले पल वो अविंदल आ गए तो? ये जो तुम इतनी सारी हड्डियों के ढांचे देख रहे हो ये बहुत ही खतरनाक है। अले पल ये हिल क्यों नहीं ले? हिलेंगे कैसे, ये सारे के सारे गहरी नींद में है। तो फिर ये अवेंजर को कैसे रोकेंगे? यही तो बात है, ये ड्रैगन इनके बीचों बीच है। जो कोई भी इस ड्रैगन तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो किसी न किसी हड्डी से तो टकरा ही जाएगा, और जैसे ही टकराएगा ये सारे के सारे जाग जाएंगे और उसके बाद ये लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। अत्ता एता क्या? हाँ ऐसा ही है, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अब मैं भी देखता हूँ अवेंजर इस ड्रैगन को कैसे लेके जाते हैं। वैसे ये तब लोग यहाँ पर कल क्या ले? ये सारे के सारे वो लोग है जिनकी आत्माओं को शैतान ने कैद कर लिया था। ये सदियों से यहाँ पर है, धीरे धीरे इनका पूरा शरीर गल गया, खाली हड्डियां ही बची है। बहते ऐती ऐती दगाओं के बारे में तुम्हें बताता कौन है? मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी काली शक्तियों से सब कुछ पता कर सकता हूँ। हाँ ये बात तो है। वाह तुमने तो बहुत ही अच्छी फीलिंग लगाई है। हमारा यहाँ का काम हो गया, अब चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है हम तो यहाँ से चलते हैं, पर जो कोई भी यहाँ पर आने वाला है उन्हें नहीं पता यहाँ पर कितनी ज्यादा तादाद में हड्डियों के ढांचे मौजूद है जो कि सारे के सारे खूनी है। अब बस देखते जाओ। अरे कोहरा तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ शिनचैन हम जैसे जैसे जंगल के बीच में जाएंगे कोहरा बढ़ता ही जाएगा। हल्क को तो ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर संभाल के चलना शिनचैन, बीच में कुछ भी आ सकता है। अरे तूफान का कहर तो यहाँ पर भी हुआ था, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। शिनचैन यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। चलो ये पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरा, नहीं तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती। एक तो ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और कितना दूर है? बस हल्क हम पहुँचने ही वाले है। अरे मुझे यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है। हल्क को भी दिखाई दे रहा है। शिनचैन यही वो स्केलेटन है जिनकी मैं बात कर रहा था। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ वो तो है, अभी हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना ही पड़ेगा। ऐसी बात है तो चलो फिर। अच्छा ठीक है, पर आराम आराम से चलना, मैं नहीं चाहता कि उनको पता लगे। हाँ शिनचैन हम आराम से ही चलेंगे। अरे ड्रैगन कहाँ पर है? मुझे तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। शिनचैन दिखेगा कैसे, यहाँ पर इतना कोहरा है। पेनीवाइज ने ड्रैगन को उनके बीचों बीच रखा है। अरे तो फिर हम उस तक कैसे पहुँचेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो,
तुम बोलो तो हल्क लेके आता है। नहीं हल्क तुम मत जाना, तुम्हारा शरीर बहुत ही भारी है, अगर तुम किसी से भी टकरा गए तो ये सारे के सारे जाग जाएंगे। अरे तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, ये लोग अभी तक सो रहे हैं क्या? हाँ शिनचैन ये लोग गहरी नींद में है। अरे पर ये सारे के सारे तो खड़े है, शिनचैन ये खड़े खड़े ही सोते है। अरे ये तो बड़े ही अजीब से है। तुम दोनों यही पे रुको, मैं जाके उसे लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी से जाओ, आराम आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं किसी से भी टकराया तो ये सारे के सारे जाग जाएंगे। धीरे धीरे जाता हूँ। अरे अरे बच गया, बस थोड़ा सा रास्ता और बाकी है, यहाँ से निकल जाता हूँ। ये मैं पहुँच गया। अरे हल्क ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो जानवर है। अरे ये जंगली जानवर इन हड्डियों को जगा देंगे। शिनचैन ये तो इनसे टकरा गए। अरे अभी हम क्या करेंगे, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शिनचैन टेंशन मत लो, हल्क संभाल लेगा। ये लो और तुम भी लो, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम सारे को सारे के तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तुम भी लो, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे कैसे भी करके इनको खत्म करना पड़ेगा। ये लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे जल्दी से इन्हें मारना पड़ेगा नहीं तो ये शिनचैन और ड्रैगन दोनों को मार देंगे। ये ले, तुम अभी हल्क की पावर जानते नहीं हो, जल्दी से शिनचैन के पास जाता हूँ, दूर हो जाओ शिनचैन से। ये ले, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे लगता है सारे के सारे मर गए, देखा शिनचैन मैंने सबको खत्म कर दिया। अरे वाह हल्क तुमने तो कमाल ही कर दिया। हल्क हमेशा कमाल करता है। अरे मैं तो इन हड्डियों के बीच में फंस गया। ये लो तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया। ये ले। अरे हल्क बस भी करो, सारे के सारे मर चुके हैं। हल्क को गुस्सा आ गया था। अरे अभी शांत हो जाओ, डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाओ। अरे वाह हल्क तुमने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तो लगा था आज हम मारे जाएंगे। अरे हल्क है तो मुमकिन है, मान गया तुम्हें हल्क। चलो ये वाला ड्रैगन भी हमारे पास आ गया। अरे इसका मतलब अभी हमारे पास तीनों ड्रैगन है। हाँ शिनचैन अब हमारे पास तीनों ड्रैगन है, तो अभी हमें गोरजिला के पास जाना चाहिए। अरे हाँ हल्क तुम एकदम सही बोल रहे हो। हाँ तो फिर निकलते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, पहले मैं इन हड्डियों के बीच से तो निकलूं। हाँ आ जाओ शिनचैन, ये लगाई मैंने जंप, अब चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो फटाफट। अरे ये तीनों ड्रैगन क्या कर रहे हैं, ये तो इसको जला के खाक कर देंगे। नहीं शिनचैन मुझे लगता है ये विधि ऐसे ही की जाती है। हे आइस ड्रैगन, फायर ड्रैगन और अर्थ ड्रैगन, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आइस गोरजिला को इतना ताकतवर बना दो कि वो गिदोरा का सामना कर सके। अरे ये क्या हो गया हमारे गोरजिला को, ये तो एकदम लाल लाल हो गया। शिनचैन अपना गोरजिला भी और भी ताकतवर हो गया है, ये अब एक बर्निंग गोरजिला बन गया। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। शिनचैन ये खाली खतरनाक लग नहीं रहा, ये खतरनाक बन चुका है। चलो मेरा काम तो पूरा हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि ये तीनों ड्रैगन हमें मिल गए, नहीं तो गोरजिला कभी इतना ताकतवर नहीं हो पाता। हाँ ये बात तो है। अब हमें क्या करना है, भूतिया पार्टी का बॉस अपने आर्मी के साथ धरती पे आने वाला है। ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे अंदेशा हो चुका है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो फिर अपन क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा उन्हें रोकने। तो गाइज हम जा रहे हैं बॉस के आर्मी को रोकने, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। बर्निंग गोरजिला तुम जाओ यहाँ से, टोनी को तुम्हारी जरूरत है और इस दुनिया को भी। अच्छा ठीक है, मैं जाके गिदोरा को रोकता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। गिदोरा मैं आ रहा हूँ, तुम अभी मेरे हाथ से नहीं बचोगे, मैं पहले से काफी ताकतवर फील कर रहा हूँ, आज तो ये गिदोरा गया मेरे हाथ से। ये तो पहाड़ों वाला रास्ता है और यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, वो यही कहीं पे होने तो चाहिए पर है नहीं ना। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कभी गलत नहीं होती, उन्होंने कहा है तो पक्का होंगे। अरे हाँ भाई शिनचैन ये तो बहुत ही ज्यादा है। अरे आर्मी है तो ज्यादा ही होगी ना। भाई साहब आज तो लगता है कि आर पार की लड़ाई होने वाली है गाइस, जल्दी जल्दी जाते हैं नीचे, आज तो जंग होके रहेगी। रुको रुको हम लोग भी आ रहे हैं, ये तो बड़े ही अजीब से जानवर है। अरे अजीब से छोड़ो कितने सारे है। बॉस मैं जाता हूँ। ठीक है जाओ, आज तो ये एवेंजर मेरे हाथ से नहीं बचेंगे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आज की ये लड़ाई तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी, आखिरकार आमना सामना हो ही गया। अब तुम कौन हो, उससे तुम्हें क्या मतलब, आखिरकार तुम मरने ही वाले हो। अबे यार अब ये क्या मुसीबत है। फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, इसे तो हम संभाल लेंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, जब इतना कुछ किया तो ये भी कर ही लेंगे। हाँ रुको इसे तो मैं संभाल लूंगा, मुझे आने दो। थॉर अभी तुम्हारी पावर इसको संभाल सकती है। हाँ मैं इसे संभालता हूँ, तब तक तुम बॉस और उसकी आर्मी को संभालना, कुछ भी हो जाए आज इन्हें छोड़ना नहीं है। आज तो नहीं छोड़ेंगे भैया, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। तुम्हें तो मैं रौंद के रख दूंगा। मुझे लगता है मैं पहुँचने वाला हूँ। वो रहे वो दोनों जन, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बिक्कों की तो हालत खराब लग रही है। अब तुम कौन हो। मैं वो हूँ जो तुम्हें रोकने आया है। इसका मतलब तुम भी इसके साथ हो। बिक्कों तुम ठीक तो हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक। बिक्कों तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह क्या बात है, दो दो शिकार, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। तुम तो गए हमारे हाथ से, ये लो और ये भी, आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। टोनी संभाल के, ये बहुत ही खतरनाक है। कॉन्ग तुम टेंशन मत लो, मैं जब तक लड़ सकता हूँ लड़ूंगा और अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, ये लो। भागते कहाँ पर हो, ये लो।
और ये इसने क्या कर दिया? ये एकदम ठीक कह रहा है, वो तो तुम टाइम पे आ गए, नहीं तो तुम्हें इसकी लाश देखने मिलती। तुम किसी को नहीं मार पाओगे, ये लो, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये लो। तुम लोग कितने भी कोशिश कर लो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इस दुनिया का अंत नजदीक है और अंत को कोई नहीं रोक सकता। अंत तो तुम्हारा नजदीक है और तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये तुम सबकी गलत फहमी है, तुम सच्चाई को मानना नहीं चाहते। तुम्हें पता तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, ये लो। ये क्या हो गया कॉन्ग को, तुमने क्या क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, ये लो। और ये भी एक और गया, अब तुम्हारी बारी है। कितनी देर लड़ोगे मुझसे अकेले? मैं अकेला तुम्हारे लिए काफी हूँ। अरे भागते कहाँ पर हो, इतने में ही डर गए? मुझे इसे बिग कॉन्ग से दूर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी ताकत की वजह से वो भी मर जाएगा। भागो भागो, मौत को नजदीक देख के सब ऐसे ही भागते हैं। मुझे गौरजिला के आने तक इसे रोक के रखना पड़ेगा। और ये क्या हो गया इसमें, ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, इसमें तो आग लग चुकी है। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी से फ्रैंकलिन के पास जाता हूँ, उन्हें भी मेरी मदद की जरूरत होगी। मुझे जल्दी से वहाँ से मदद लानी पड़ेगी, नहीं तो गिदोर अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा। ये दोनों तो गए मेरे हाथ से, मुझे लगता है अब कोई नहीं बचा जो मेरे सामने टिक पाए। मैंने पहले ही कहा था इस दुनिया का अंत नजदीक है, अब जल्दी से जाता हूँ और जो थोड़े लोग बचे उन्हें भी खत्म कर दूंगा। अब ये कौन आ गया सामने, ये तो गौरजिला है, कोई नहीं इसे भी मार दूंगा। गिदोरा वहीं पे रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। कुछ देर पहले तुम्हारे दोस्त भी यही बोल रहे थे, अब उनकी लाशें पड़ी है वहाँ पर। तुमने क्या किया मेरे दोस्तों के साथ? वही किया है जो अभी तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये लो, तुम आज बचोगे नहीं मेरे हाथ से, मैं तुम्हारा काल बन के आया हूँ, ये लो लेजर खाओ। ऐसा है तो तुम भी खाओ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने दोस्तों का बदला लेके रहूंगा, ये लो। अब तुम आखिरी बचे हो बस, उसके बाद इस दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, इस प्लेनेट पे मेरा राज होगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, इस दुनिया पे बुराई की जीत नहीं हो सकती। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे लगता नहीं, यही होगा, ये लो, तुम्हें तो मैं जला के राख कर दूंगा। तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से, तुम कुछ भी कर लो, आज तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, मैं पहले से काफी ताकतवर हो चुका हूँ। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, मुझसे ज्यादा नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें तो मैं खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो करके बताओ, ये खोखले दावे करने से कुछ नहीं होता। ये दावा नहीं है, ये सच है, और सच तुम्हें स्वीकारना होगा। ऐसी बात है तो ये लो। ये तुमने क्या किया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे कईयों को मैं आराम से हरा देता हूँ। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, ये सब यहीं पे रोक दो। ये सब कभी नहीं रुकेगा, अब ये चलता ही रहेगा। मैं इसे रोक के ही रहूंगा, बहुत हो गया तुम सबका, तुमने हमारा जीना हराम किया हुआ है। हम तुम्हारा मरना भी हराम कर देंगे, इससे अच्छा हमारे सामने घुटने टेक दो। वो तो कभी नहीं होगा, ये लो, तुम बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हो। तुम मान क्यों नहीं लेते, तुम मुझे नहीं हरा सकते, ये लो। ये नाकामी आप कोशिश करनी छोड़ दो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह क्या डायलॉग मारा है, अब मार खा। मैंने अपनी इतनी ताकत बढ़ा ली, फिर भी ये इतना ताकतवर है, मुझे इसे कैसे भी रोकना ही पड़ेगा। ये लो, दूर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें रोक के ही रहूंगा। तुम जैसे लोगों के वजह से अंधकार फैलता है। बुराई हमेशा अच्छाई से ताकतवर रही है। ये तुम्हें लगता है अच्छाई ज्यादा ताकतवर है? आज की लड़ाई में पता चल जाएगा अच्छे बुरे में से कौन ताकतवर है। वो तो पता चल ही जाएगा। क्या हुआ, रुक क्यों गए, हालत खराब हो गई? हालत तो अभी तुम्हारी खराब होगी। मतलब क्या है तुम्हारा? अभी मैं अपनी पावर बढ़ाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम बस देखते जाओ। तुम्हारी साइज कैसे बढ़ गई? मेरी खाली साइज नहीं बढ़ी है, मेरी ताकतें भी दुगनी हो गई है। और ये तुम्हारा अंत है, ये लो, आज तो बचोगे नहीं तुम। तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। तुम में से कोई हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। हम एसगार्ड के राजा थॉर है और हमारे पास दैविक शक्तियाँ है। हमें आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो तुम क्या चीज हो? मुझ पे काली शक्तियों का हाथ है, जो कि तुम्हारी शक्तियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, चले जाओ या तो मरोगे। मरने वाले तो तुम हो, तुम सबको तो अभी तक हमारे बॉस के सामने घुटने टेक देने चाहिए थे। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये लो, अभी सबक सिखाता हूँ इसको। कहाँ गायब हो गया, हमारे सामने आओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये आया मैं, ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये लो। तुम तो गए, मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, ये लो। क्या हुआ, निशाना चूक गए? पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे दोस्तों को। ये तो हमें पानी के अंदर ले आया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ये लो। और ये भी, ये बिजली का झटके खाओ, ये फिर से बच गया। जल्दी से पानी के बाहर निकलता हूँ, आज तो इसे और इसके मालिक दोनों को मार दूंगा। इन्हें क्या लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं? आज तो इनकी एक गलत फहमी मैं दूर करके ही रहूंगा। ये बार बार गायब कहाँ हो जाता है, यहीं पे तो था, कहाँ चला गया? ये रहा वो, अब इसे नहीं छोड़ूंगा मैं।
मैं। ये लो और ये भी, भागो यहाँ से। और इसमें तो बहुत ही जान है, मुझे लगता है मुझे अपनी ताकतों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वापस कहाँ गायब हो गया? ये रहा, ये लो, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये ले और ये भी ले। तू तो गया आज, हम तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे और उसके बाद जाके तुम्हारे बॉस को भी, ताकि तुम कभी यहाँ आने की भूल ना करो। भूल तो तुमने कर दी मुझसे पंगा लेके। ये लो और ये भी, डूब मरो इस पानी में। इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है, हमें इसे संभल कर रहना पड़ेगा और इसे खत्म करना पड़ेगा। इसकी स्पीड भी ज्यादा है। ये लो, क्या हुआ? हालत खराब हो गई, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे। ये लो बिजली के झटके खाओ, मुझे लगता है ये मर चुका है। और ये क्या हो रहा है इसके शरीर के साथ? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है मुझे एक और बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लो, तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे, तुम्हारी सारी ताकतें चली जाएगी इससे। ये तो यहाँ से गायब हो गया, मुझे लगता है भाग गया है। अब बाकी एवेंजर के पास जाता हूँ, उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। तो गाइस, टाइम आ चुका है जंग लड़ने का, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शिनचैन तैयार है? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ। शिनचैन तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अरे अब इतना कुछ देख लिया है, मेरा सारा डर ही उतर गया है। ये तो अच्छी बात है। हल्क को गुस्सा आ रहा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। हल्क हम भी यही चाहते, तू किसी को मत छोड़ना। अरे ये लोग आ रहे हैं, अब ये नहीं बचेंगे। अरे ये सारे के सारे तो साथ में ही आ गए। हल्क संभल के। हल्क गिर गया। ये ले, ये भी लो। गाइस अपने पास तो कोई स्पेशल पावर है नहीं, तो अपन गन से ही काम चला लेते हैं। आज तो इन सारों को उड़ा ही दूंगा मैं। ये ले, तू भी ले। बॉस अभी तक खड़े खड़े तमाशा ही देख रहा है, नीचे नहीं आया। मुझे लग रहा है वो इंतजार कर रहा है कि ये लोग हम लोग को हरा देंगे। पर इसकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो आज दूर हो जाएगी। गन चेंज करते गाइस, अब करते हैं धमाका। आओ सारे के सारे, आज तो भाई छल्ली कर देंगे गोलियों से। ये लो, तुम भी लो। इतने भी जन आ जाओ, मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। थोड़ा भागते भागते मारते गाइस। हल्क मजा आ रहा है। हल्क को तो बस अपना गुस्सा उतारना है, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। मार हल्क मार, इससे अच्छा मौका और तुझे कहीं पर नहीं मिलेगा। अपन इनको संभालते हैं। ओ भाई साहब, काफी नजदीक आ गए थे। मुझे लगता है ना धमाका थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे एक एक करके कब तक मारेंगे। ये ले, तू भी ले, ये काफी नजदीक है, यहाँ पर नहीं कर सकते। भाई साहब बच गए बार बार, मुझे तो लगा था इस ब्लास्ट के साथ मैं भी उड़ जाऊंगा। चलो दो ब्लास्ट में तो इतने खाली हो गए। ये लो और तुम भी लो। अरे तुम में से कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं बहुत ही खतरनाक बच्चा हूँ। मेरी हाइट को देख के मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाना, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये लो, किसी को नहीं छोड़ूंगा आज। जब मार मार के मारता हूँ ताकि इनसे बचता भी रहूँ और इनको मारता भी रहूँ। अरे बार बार बचा, अभी तो इसकी लात मुझे लग ही जाती। दूर हो जाइए। ले, इनको तो भगा भगा के मारूंगा। अरे वाका स्टैंड क्या है मैंने? गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। बस थोड़े लोग और बच्चे हैं, इनको भी खत्म कर देते हैं। ये लो और तुम भी लो, तुम सब तो गए मेरे हाथ से। हल्क तुम्हारा कैसा चल रहा है? हल्क तो किसी को नहीं छोड़ेगा, इन सारी मक्खियों को तो हल्क मसल के रख देगा। ये ले और तू भी ले, तुम सब हल्क के सामने कुछ भी नहीं। ये ले और तू भी ले, तू तो गया मेरे हाथ से। ये लो सब। या मैं आवेरी अच्छो फ्रैंकलिन, हम लोग आ रहे हैं। हाँ हम लोग आ रहे हैं। ये रहे सारे के सारे, चलो फाइनली मैं पहुंच ही गया। चलो ये बात तो अच्छी है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। अरे ये सब तो यही पे है, आखिरकार हमारी टीम एक साथ हो ही गई। अब बताते हैं इस बॉस के बच्चे को ये कैसे टिकता है हमारे सामने। बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी बात सुनो बॉस, उनसे लड़ने मत जाना, हम ये जंग हार रहे हैं बॉस। ये तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत एवेंजर ने की है, और गीदुरा भी मर चुका है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, पर मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। ये सब तो गड़बड़ हो गई, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर इन्होंने तो कर दिखाया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम इन्हें हरा लेंगे। फिलहाल बॉस हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एवेंजर जितना कुछ होना है हो लो, क्योंकि मैं वापस आऊंगा। अबे दम है तो अभी नीचे उतर, ऊपर खड़ा खड़ा क्या धमकी दे रहा है? मुझे लगता है कि वो डर चुका है, इसलिए नीचे नहीं उतर रहा है। डरना तो पड़ेगा ही ना, उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। हाँ ये बात तो है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो भाग गया। अबे बड़ा ही डरपोक निकला ये तो। अरे ये क्या हो रहा है? गाइस यार अचानक से मौसम पूरा साफ हो गया, ये सब गिदोरा के जाने की वजह से हुआ है। तो गाइस आखिरकार हमने और आपने मिलके कर ही दिखाया। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको फिनाले कैसा लगा। तो गाइस आखिरकार ये सब खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।